आदिवासी आणि चितेवर चढविणाऱ्या मनुवादी व्यवस्थेचा निषेध असो, स्त्रीला समान दर्जा आणि बरोबरीचा हक्क देणाऱ्या डॉक्टरचा अपमान नाही सहेगे, बाबासाहेब आंबेडकर का संविधान जिंदाबाद, को फांसी दो, बिल्किस बानो के आरोपियों को फांसी दो। दोनों ही घटना निंदाजनक है। सबसे भयानक बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिन 11 आरोपियों को बिल्किस पर बलात्कार, उसकी बच्ची का मृत्यु और उसके साथ रहने वाले 14 लोगों के हत्या का आरोपी दोष सिद्ध करार देते हुए आजन्म कारावास की शिक्षा दी, यह है संवैधानिक न्याय। संविधान ने अपना न्याय किया, लेकिन धर्मांध गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन ही छोटे से किसी कानून का सहारा लेकर इतने जघन्य अपराधियों को छोड़ना और छोड़ने के बाद में उनका पुष्पमालाओं से सत्कार करना, मैं समझता हूं कि भारतीय महिलाओं का इतना बड़ा अपमान इस आज़ादी के महोत्सव में शायद ही कोई बहुत निचली गिरी हुई मानसिकता का व्यक्ति करेगा, जो किया गया है। दूसरी बात, इस देश में संविधान का न्याय चलेगा कि धर्म आधारित दृष्टिकोण चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। जिस सर्वोच्च न्यायालय ने आजन्म कारावास दिया, उसे आप छोड़ते हो ताकि दूसरे लोगों को ये संदेश जाए कि आप बलात्कार कर लीजिए, लेकिन आपके विचारों की सरकार आएगी तो आपको माफ़ कर देगी। ये कौन सी न्याय व्यवस्था इस देश में देना चाहते हैं? हम इसका निषेध कर रहे हैं। और बिल्किस बानो के आरोपियों को वापस पकड़ा जाए और जेल में ठूसा जाए, बल्कि उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए, क्योंकि ये जघन्य से जघन्य अपराध है। दूसरी घटना है इंद्र मेघवाल की, कि इंद्र मेघवाल एक भारतीय नागरिक है, बच्चा है, लेकिन आज भी जातिवादी मानसिकता, धर्मांध मानसिकता, वर्णवादी मनुवादी मानसिकता इस बच्चे को दलित कह के देखती है। और केवल मटके से पानी पिया इसलिए इस इंद्र मेघवाल की हत्या कर देती है। आज भी आज़ादी के 75 साल में हम किस भारत में जी रहे हैं, यह इसका जिंदा उदाहरण है। और प्रधानमंत्री जी लाल किले से स्त्री स्वतंत्रता की, न्याय की, अल्पसंख्यकों के न्याय की, गरीबों के शोषितों की न्याय की बात करते हैं, और उनकी नाक के नीचे उन्हीं के सत्ताधारी पक्ष का मुख्यमंत्री ये घृणित कार्य करता है। हम दोनों घटनाओं का निषेध कर रहे हैं और दोनों ही आरोपियों को, यानी बिल्किस के आरोपियों को और इंद्र मेघवाल के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। और हम चाहते हैं कि देश के अंदर में जो भाईचारा जो है बने रहे, देश के अंदर में जिस तरह से नफ़रत का माहौल जो पैदा किया जा रहा है, तो ये नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने के लिए इस तरीके के आयोजन जो है बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमने देख रहा है कि आजकल दलित समाज के ऊपर में, मुस्लिम समाज के ऊपर में, अल्पसंख्यक समाज जहाँ भी पाए जाते हैं उन पर बहुत जुल्म ज़्यादती का जो है दौर ऐसा लगता है शुरू हो गया है। एक जो है हुकूमत जो है वो चाहती है कि जो फासिस्टवादी ताकतें जो है वो चाहती है कि देश का ये बंटवारा हो, देश के फिर से टुकड़े टुकड़े हो, देश के अंदर में नफ़रत का माहौल पैदा हो, इसीलिए ये कोशिश जो है तो जारी है। आए दिन कहीं दलित समाज को पानी के ऊपर से, कहीं घोड़ी चढ़ने के ऊपर से, कहीं कई किस्म से जो है तो उन पर जो है जुल्म अत्याचार जो है तो ये चालू है। हम ये एक तो बानो के जो गुनहगार है, बलात्कारियों जो है उनको जो रिहाई दी है उसका हम निषेध करते हैं। और वो छोटा बच्चा राजस्थान का, किसी सवर्ण आदमी के मटके को हाथ लगाया, पानी भी पिया नहीं, तो उसको इतना बेदम पिटाई की उसकी कि उसकी जान चली गई। राजमुद्रा आप बदल रहे हो और बलात्कार का कारण आप उत्तान कपड़े महिलाएं पहनती है ये बताते हो, ये बहुत गलत है। राजकारण में धर्म को लाना नहीं। आज ये बिल्किस बानो मुस्लिम है इसलिए उनके जो गुनहगार है उनको रिहाई दी गई, वो साबित गुनहगार है, ऐसे भी नहीं कि उन पर संदेह है, वहीम है, ऐसे भी नहीं, वो साबित गुनहगार है। और उनके कौन सी इतनी अच्छी वर्तणूक आपने देखी कि उनको रिहाई दी? और उसमें ऊपर से उनमें से दो लोग ब्राह्मण है ये बता रहे आप, किसी भी जाति का आप उल्लेख क्यों करते हो? और दूसरी बात ये बहुत ही निंदनीय है कि उनका स्वागत किया गया, गले में माला डाली, पेढ़े बांटे, मिठाई बांटने की बात ठीक है ये,